को जान से मारने की धमकी दी गई है? नहीं, ये गलत है। जान से मारने की धमकी नहीं दी है मुझे। गंगेश्वर ने, अशोक दुबे ने और बी एन तिवारी ने ये बोला है कि आप शूटिंग कैसा करोगे, आप शूटिंग कर नहीं सकते, ये धमकी दिया, इसलिए मैंने कंप्लेंट डाली। हमने अभी ऊपर जो ये बाइट की, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए, उन्होंने ये बोला है कि आपने कंप्लेंट में ये लिखवाया है, पुलिस में उनको बुला के ये बात कही गई है कि मास्टर जी ने ये कंप्लेंट डाली है तो उनको जान से मारने की धमकी दी। नहीं, आप कंप्लेंट देख लो, उसके बाद बात करो, ऐसे कंप्लेंट नहीं दी। और सर कुछ पेमेंट रुकने का चक्कर है? वो तो मेरे पास शरद शेलार जो है प्रोड्यूसर भिखारी का, शरद शेलार भिखारी का जो प्रोड्यूसर है उसका लेटर है मेरे पास कि वो प्रोड्यूसर है वो पेमेंट करेगा। और इन लोगों ने बार बार आके मेरी दो बार शूटिंग रोकी, 102 के नोट में अमित जी और ऋषि कपूर की तरह शूटिंग रोकी, ऋतिक रोशन की तरह शूटिंग रोकी और मेरे सब पड़ोसों को भेजा, जबकि इनकी मेरी बात हो गई थी अशोक दुबे शरद शेलार की कि शरद शेलार पेमेंट करेगा। जब शरद शेलार पेमेंट करेगा तो मुझे बार बार धमकी देकर रोक क्यों रहे, जबकि मैं उसमें डायरेक्टर हूँ। ये बात क्लियर हो चुकी है, मेरे पास लेटर है, मैं आपको लेटर दे सकता हूँ शरद शेलार का, मेरे पास डांसरों का लेटर है, सबका लेटर है कि मैं उसमें कुछ भी नहीं हूँ। फिर भी अगर वो टेक्नीशियन ऐसा बोलते हैं कि पैसा वगैरह मेरे पास आए मिले, शरद शेलार को मिले, हम लोग बैठ के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये कौन सी धमकी देनी हो कि आप कैसा शूटिंग करते हो देखते। सिर्फ मैटर इतना ही कि मैं डांसरों को सपोर्ट कर रहा हूँ, इस सीनियर डांसर एसोसिएशन को सपोर्ट कर रहा हूँ, इनके इलेक्शन में इनके जो अभी 15 तारीख को चिन्ह के आए इनको हेल्प कर रहा हूँ, तो वो डांसर को हेल्प करने के चक्कर में कर रहे हैं। मैं भी एक डांसर हूँ, इट इज़ उनका मेंबर हूँ, मैं डांसर को सपोर्ट करूँगा। आज इन लोगों ने डांसर्स के 2 यूनियन कर दिए, ये जो 70 साल से यूनियन बन रही है इसको छोड़ के 1.5 साल पहले इन्होंने किसी और 200 डांसर्स बना दिए जो अलग यूनियन के, तो वो तो इन्होंने ब्रेक किया है, लेकिन ये डांसर्स अपनी हक की लड़ाई, अभी जैसे एक डांसर शमशाद यहाँ पे, इसको जान से मारने की धमकी दी, ये बताएगा आपको, बता शमशाद। आपसे सवाल है कि आप हाँ गोलमाल के सेट पे इन लोग आए थे, गोलमाल के सेट पे इन्होंने शूटिंग रोकी थी, उसके बाद मेरे को फेडरेशन ने बोला कि आप ये करो, तो मैंने चलो अच्छा जान दो ठीक है, उस वक्त कुछ हुआ था मैंने सॉरी बोला, लेकिन इस वक्त मैं सॉरी नहीं बोलने वाला किसी भी चीज़ में, मैं गलत हुई नहीं, मैं जो लड़ रहा हूँ वो सच्चाई के लिए लड़ रहा हूँ, हक के लिए लड़ रहा हूँ। सर आपका नाम है निर्माता में, कुछ पैसा ऑलरेडी लगा हुआ है तो? नहीं नहीं, ये मुझे नहीं मालूम, ये आप सब जो भी भिखारी की बात करनी है ना, चेक का ये वो सब शरद शेलार से करो, शरद शेलार प्रोड्यूसर है, मैं आपको लेटर दे दूँ अभी उसका, शरद शेलार का लेटर है मेरे पास, वो प्रोड्यूसर है, मैं डायरेक्टर हूँ, अभी प्रोड्यूसर है डायरेक्टर पेमेंट भरेगा क्या? उसमें निर्माता में आपका नहीं नाम, निर्माता ये शरद शेलार ने, उसमें डाला हुआ को प्रोड्यूसर, लेकिन एग्रीमेंट में शरद शेलार प्रोड्यूसर है, शरद शेलार पैसा देगा लिखा हुआ है। 102 की शूटिंग 3 घंटा इन लोगों ने शूटिंग मेरी रोकी थी, मैं इनको रिक्वेस्ट कर करके थक गया कि मेरी शूटिंग मत रोको, रोको, मुझे मजबूरन शूटिंग स्टार्ट करने के लिए चेक दिया, और मैंने उसे बोल भी दिया था कि मैं चेक में ये पास नहीं करूँगा, आपको जो करना है करो। पिछले केस में इम्पा प्रेसिडेंट मिस्टर टीपी अग्रवाल भी आपके उसमें केस में आए थे, तो आपने नहीं, टीपी जी से बात हुई थी, टीपी जी से मैंने बोला टीपी जी ये शूटिंग रोको, देखो मैं प्रोड्यूसर का भी मेंबर, मैंने बबलू जी से भी बात की, मैंने मुकेश जी से भी बात की, मैंने सबसे बात की कि ये मैटर चल रहा है बात करो, उनसे बात हुई है, वो मैटर का इसमें बात कर रहे हैं। अभी फिलहाल जो है आपको कंप्लेंट के बारे में से बात करनी, कंप्लेंट के बारे में ये बता रहा हूँ कि मुझे गंगेश्वर और अशोक दुबे और बी एन तिवारी ने ये बोला कि आप शूटिंग कैसा करते हो, यहाँ पे आप शूटिंग कर ही नहीं सकते, ये मुझे धमकी दी। लेकिन मास्टर जी एक एसोसिएशन होती है और एसोसिएशन के बाहर जाके कायदा कानून वो करना, एसोसिएशन का इसका कोई मतलब ही नहीं, एसोसिएशन के बीच में ही हूँ मैं, एसोसिएशन बीच में ही जाके कर रहा हूँ, लेकिन मानने तैयार ही नहीं है। आप आके शूटिंग पे रोकते हो, आप आके शूटिंग पे बात करते हो, आप आके आपको हक है शूटिंग रोकने का? आपने 3 घंटा शूटिंग रोकी 102 पे मेरी, आप बताओ कौन से एसोसिएशन है, किधर है, किसी कौन से कानून में लिखा है 3 घंटा शूटिंग रोक सकते हैं? सर मेरे को आपने वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल किया, मैं आपके फेडरेशन से सवाल करना चाहता हूँ कि ये क्या है सर, ये नए 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 स्टूडियो ओपन कर दिए आप, एसोसिएशन बोल रहे हैं फेडरेशन में? एक मिनट सुनिए, मैं बोलना चाहता हूँ कि जब फेडरेशन में जनरल सेक्रेटरी अशोक दुबे जीत के आए, ओके, उन्होंने क्या किया, गंगेश्वर को डिस्प्यूट चेयरमैन बनाया जो अलाइट के जनरल सेक्रेटरी है, आज वो इधर ट्रेजर बन गए, तो सर मैं बोलना चाहता हूँ ये हमारे साथ क्या हो रहा है, ये दिख रहा है इसमें राम कदम जी का फोटो है, गंगेश्वर का, ये हमारे यूनियन खड़ा कर दिया, हमारे 1100 के पेट पे लात मार दी उन्होंने, ये हमारा आईडी है, ये 5-5 करोड़ बना रहे हम लोग, 3 लाख बनता है कार्ड का सर, तो ये हमारे साथ जाती नहीं है, दादागिरी नहीं हो रही है, क्या हो रही है हमारे साथ में, हम सेट पे गए तो वहाँ फ़ोन पे बोला जाता है कि इनका शूटिंग सब पैकअप करो, इनको ये करो, हमारे मेंबर यूज़ होगा, पुलिस को बुलाओ, ये बोलो, ये कौन सा मेंबर खड़ा हो गया, इनके ये कार्ड ये बना रहे ये लोग, तो काय के हमारे माए बाप है, ये काय के माए बाप है, ये तो नया बिजनेस चालू किया इनका, और वही चक्कर में हमारे एक डांसर सुसाइड कर लिया अभिजीत शिंदे ने, क्योंकि अभी मैं भी शूटिंग कर रहा था 30 तारीख को, कमलिस्तान में शूटिंग कर रहा था, तो ये लोग आ गए थे वहाँ पर, मुझे गाड़ी में बैठाया गया अशोक दुबे ने, बात वत किए जो भी किए सब खत्म करने के बाद,
और अशोक दुबे से गाड़ी बैठा के बात करने के बाद सब होने के बाद सब सॉर्ट आउट हो गया। तो मैं बोला कि फेडरेशन में पेमेंट क्यों देगा, जब मेरे डांसर्स काम करें तो यहीं पर देंगे ना। उसके बाद मुझे बुलाया गया, मुझे धमकी दिया गया कि तू कैसा काम करेगा मैं देखता हूँ, तू फेडरेशन के, बोला फेडरेशन के अगेंस्ट नहीं है, मुझे बोल रहे कि तू कैसा काम करेगा मैं देखता हूँ, मैं ये मेरे भी नहीं, तुम लोग हम लोग के नहीं है ये वो, तो मैं देखता हूँ तू कभी कैसा काम करेगा, मुझे ऐसे ऐसे कुछ दिखा रहे थे। तो मैं डर गया, तो मैं क्या करूँ, बोला चलो भाई सिक्योर, हम झगड़ने वाले में से नहीं है, हम जाते हैं डायरेक्ट, और हम लोग पुलिस में मैंने अपना कंप्लेन कर दिया। मास्टर जी आपसे एक सवाल ये रहेगा कि आप उस पर इल्ज़ाम लगाएंगे और वो आप पे लगाएंगे तो इसका मैंने क्या होगा? किसी इल्ज़ाम नहीं लगाया मैंने, मेरी शूटिंग पे आके मुझे तकलीफ नहीं दी इसे मैंने पुलिस कंप्लेंट दी है, मैंने कोई किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैं क्लियर मुंह पे बोल रहा हूँ कि मैंने कोई जान देने की कंप्लेंट नहीं की। मेरे शूटिंग पे आके कैसा कोई रोक सकता है? दो बार शूटिंग रुकी आपकी एसोसिएशन, कोई भी आके मुझे हेल्प नहीं किया, दो बार मेरी शूटिंग में आके मेरे को एक बार मैंने कंप्लेंट दी, मैंने प्रोड्यूसर में भी दिए, मैंने फेडरेशन में भी दिए, मैंने सब जगह दी, हर जगह थे, मुझे मजबूरन पुलिस के पास जाना पड़ा कि इन लोग मेरे को, अभी 27 तारीख को मीटिंग हुई थी जिसमें मुझे गंगेश्वर ने दादागिरी के साथ बोला कि तुम कैसा शूटिंग करता मैं देखता हूँ, तुम शूटिंग करके तो दिखाओ, ये मुझे बोला गया तब मैंने कंप्लेंट दी। लेकिन उनका कहना है कि बात बड़े ही दोस्ताना माहौल में हुई है, दोस्ताना माहौल में होती दोस्तों समय हाथ मिलाया और इस चीज़ की सर दोस्ताना अगर है तो सीसीटीवी निकाल के आप देख लो, पता चल जाएगा मैं गलत हूँ क्यों गलत हूँ, निकालो सीसीटीवी और बात करो, वो तो आपके पास है ही, शरद चलर के ऑफिस में मीटिंग हुई है, मुझे पता है सब जो भी है। देखिए मैं सच्चाई लड़ रहा हूँ, मैं ये डांसर लोग के साथ में हूँ जिनका मैं मेम्बर वेटे से उनका मैं डांसर्स के साथ में हूँ, एक तो इनको ये 900 लोग के इधर इनको रुका गया। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितने डांस मास्टर्स है हमारे बड़े बड़े जो इसी CDM से मेंबर बन के आए वो प्लीज़ इन डांसर को नचाए, वो डांसर को नहीं नचाए जो अभी 1.5 साल पहले बने हैं जो कम में, ये उन लोग भी डांस मास्टर भी इधर से आए, मेरी भी लड़ाई इसलिए मुझे इसलिए रोका जा रहा है, इसलिए मेरे वो शरद शेलार मेरे पे डाला जा रहा है, मेरे पे ये डाला जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें सबको सच्चाई मालूम है, हर डांस मास्टर को मालूम है, हर डांसर को मालूम है, हर असिस्टेंट को मालूम है, सबको आप लोगों को भी मालूम है कि अगर आपकी यूनियन में कोई दूसरी यूनियन घुसेगा तो आप क्या करोगे। ये जो CDA का मैटर है जहाँ पे इलेक्शन हुआ 15 तारीख को, आपने फेडरेशन में 10 तारीख को एक इलेक्शन किया, उसमें से जो जाहिद और जो डेरिक रवि इन लोगों ने जो इधर ताला मारा था फेडरेशन की चाबी तो उन लोगों ने जाके उधर बिना नोट वोट के इलेक्शन करके जीत के आ गए, जबकि यहाँ पे 450 लोग 15 तारीख को आके जीत के आए, यहाँ के हमारे प्रेसिडेंट है ट्रेजर है सब यहाँ पे। तो मेरी लड़ाई सिर्फ सच्चाई के लिए, आज भी मैं बोल रहा हूँ डांस मास्टर को प्यार से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ ये जो डांसर्स 900 और यही डांस मास्टर यहाँ से आए इनको बुलाओ, इनसे काम करो, जो बाहर के लोग जो डांसर बनाए गए जो दूसरी इन्होंने काम मत करो, मेरी लड़ाई यही है और आज भी यही बात है। अगर ये फेडरेशन इन लोग मानते हैं प्यार से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं इन लोग का काम है, मेरी जो लड़ाई जो मेरी पुलिस के थ्रू थी मेरी यूनियन के थ्रू मैं कर रहा हूँ, इन लोग ने मेरी 2 बार शूटिंग रुकी, मेरा प्रूफ है, मेरे पास 102 उमेश शुक्ला का लेटर है, मेरे पास फैंटम का लेटर है कि इन्होंने 3 घंटा मेरी शूटिंग रोकी, वो शूटिंग रोकने के चक्कर में मेरी शूटिंग अमित जी ऋषि को करने के चक्कर मैंने चेक दिया, मैंने बोला भी था, मैंने वो अपने उनके जो बुढ़े से है कौन आते हैं उनको बोला था सर मैं चेक पास नहीं करूँगा, मेरी शूटिंग होनी चाहिए, कि मैं चेक क्यों दूँ जब, और मेरे पास लेटर है, मेरे पास प्रूफ है, शरद छेलार उस दिन मीटिंग में आप बोले ना बैठा हुआ था, चलो वो जो सीसी सर शरद छेलार को बुलाओ वो बात करेगा आपसे। हाँ निष्कर्ष यही निकलना चाहिए, हमको झगड़ा नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, ये जो 900 मेंबर्स है जो 70 साल से यहाँ पे 60 साल से 70 साल काम कर रहे हैं, इनका हक इनको नचाया जाए, कोई और दूसरी के डांसर मेंबर नहीं नचाया जाए, वो कल उठ के आप यूनियन बनाओ जो भी उससे हमको कोई लेना देना, लेकिन जो इनका हक है इनका हक मत मारो, इनका ही पेट है, आज इनके इनके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ और इनके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ इससे मेरे पे प्रॉब्लम हुई सब, आज इनके लिए मुझे खुल्लम एक नोटिस है मेरे पास कि आप प्लीज़ सीनियर डांसर्सन के पीछे मत पूरो हम पे कार्यवाही करेंगे, तो मैंने जॉब नहीं दिया क्योंकि मेरे डांस डायरेक्टर यूनियन फेडरेशन के साथ नहीं है, बहुत सारी यही लास्ट है कि प्लीज़ प्यार से अभी भी बैठो, फेडरेशन जो अभी ये जीत के आए इनको कबूल करो, जो दूसरे उनको लेके आओ, और ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सब डांस मास्टर को आप लोगों कि ये जो इतने सालों से है इनको यूज़ करो, और मेरी कोई लड़ाई मेरी लड़ाई इनके साथ है, इन लोग मुझे बुलाएंगे, मैंने कंप्लेंट लिए पुलिस बुलाएंगे, मैं सामने सामने क्लियर कर दूंगा, और कोई जान से मार के धमकी नहीं दी, मेरा काम रोका गया उसकी कंप्लेंट की, मेरे पास कंप्लेंट है। पैसे के लिए मतलब आए मेरे पास, मैं अभी बोल रहा हूँ जितने यूनियन है मैं लास्ट टाइम, लेकिन आप शूटिंग पे आके दादागिरी करके पैसा लोगे तो नहीं होगा, कि वो मैं नहीं हूँ। महबूब स्टूडियो में एक लेडी आई थी जो बहुत पुरानी आपके वो है एसोसिएशन की, उसने यहाँ बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि गई तो उनको बोला गया कि वीडियो बनाओ और 12,000 रुपया कुछ उनका पेमेंट था, महबूब स्टूडियो की वो बात बता रहे थे। देखिए पुराने आपके मेंबर आप जो भी है वो मेंबर को बुला उनसे बात करो, उसका उसका पैसा मिल गया
एक मिनट, उसका पैसा मिल गया उसका, लेकिन वीडियो बनाओ उसका, ये करो वो, ऐसा कुछ उन्होंने ऐसा उस, वो जो औरत है उसके 50 वॉइस रिकॉर्ड 50 वीडियो है, जिसने इधर खिलाफ किया, वो इधर की मेंबर है, उसके खिलाफ उसने उन लोगों ने लिया। क्या हाल है, यूनियन सबका है, 1100 यूनियन है। अगर आप प्रेसिडेंट हो तो आप सबको एक तरफा देखो, अगर 11000 इनको दे रहे हो तो हम सबको दो। इन्होंने क्या किया है कि जिसके वोटर्स है, इन्होंने एक एक को 1.5 लाख 2-2 लाख रुपया बांटा है। क्यों बांटा है भाई? तो हमने क्या किया, जो भी हम जीत के आए, हमने सब पे नोटिस निकाला है कि जिसका पेमेंट बाकी है 60 लाख रुपया हमारा यूनियन का है, आप क्या सब बांट सकते हो? हमारे लॉ में तो लिखा ही नहीं कि अपने लोन बांट सकते हो, आप तो बेढक लोन बांट रहे हो करके। तो हमने उनको क्या बोला, अगर आपको पैसा काटना है आपका, आप लेटर लिख के दो कि ये शूटिंग मत काटे, आगे से काटे, बस ये लिख के लिए हमने। और वो तो मास्टर जी ने अपने पास कैश दिया है, और पेमेंट तो किसी और के पड़ा हुआ है करके, तो क्यों किसको मिसगाइड करना? और आज इतना आज बात करो, देखो ताला मार दिया बस, वो कर रहे ये दादागिरी, क्या है ये सीमेंट डाल, क्या हो रहा है ये फेडरेशन लोग कौन है? सीमेंट भी डाल दिया अंदर। थैंक यू सर, थैंक यू। तुमने और भी कुछ लिखा था ना, थाले का शॉट ले ली थी। विनोद हेलो, एक शॉट है ना, एक दो शॉट मैं यही भी डांस एसोसिएशन के बाहर रखते नहीं है, हमने आपको फोन करते, आप लोग हमें सुनवाई नहीं करते। तो मैं आपसे आज मैं विनती करता हूँ, पहले आप लोग मैटर को सुन ले, ये क्या थे जब उनके घर पे गए तो उनकी मम्मी डैडी ने एक रिक्वेस्ट करके बोला कि उनके बेटे ने उनकी बच्ची और उनके बेटे से घर का मैटर से सुसाइड नहीं किया, वो डिप्रेशन में 70% था। तो मीडिया से रिक्वेस्ट है कि हम लोग आज एक अभिजीत सिंधे एक है और भी बहुत सारे हैं डांसर्स जो फेडरेशन आप बोल रहे ना, सच में वो दादागिरी कर रही है हमारे साथ में, क्या नहीं करी बताओ ना। आज हम 1100 मेंबर रोड पे है, खाली 3 लोग लड़ रहे हैं हमारे साथ में फेडरेशन में, माए बाप है खाकी माए बाप है, बताओ हमको। हमारे नया यूनियन खड़ा कर दिया उन्होंने डांसर्स का, कोरियोग्राफर्स का, ये करके, ये कुछ दादागिरी है क्या हमारे साथ में? हम सेट पे जा रहे हैं तो बोल रहे कि सेट पे जाएंगे तो सब बंद होगा, ये होगा, कहाँ से दादागिरी है? 1100 की इसको पड़ी नहीं है डांसर्स की, ये कौन सा दादागिरी है बताओ आपको? आज ऐसा एक हुआ इंसिडेंट, हम लोग बहुत सारे आपको सुनाया है हमारे साथ डांसर्स क्या क्या होगा आगे के लिए। ये देख लीजिए, ये फेडरेशन का ट्रेजरर है और इन्होंने एक करेलाल यूनियन बना दी है डांसर की, और ये नए मेंबर्स को बनाया है। खाके माई बाप है हमारे, बताइए ना, दुनिया से दादागिरी कर रहे हैं ये लोग। 61 से हम लोग की, मुझे सर वो चलो हाँ नहीं जान दे, सबको एक साथ करना बेटा, हाँ सबको एक साथ करना। विनोद अपना रूम का है, क्या हुआ ताला हो गया बेटा? ताला से कि आप